नमस्कार, स्वागत है आपका राइट मिरर में। आशिक मर्चेंट ने काथावाला जज को दिया खुला चैलेंज। आशिक मर्चेंट ने मोर्चा खोल दिया है काथावाला के खिलाफ और खुलेआम ये चैलेंज दिया है कि आप भ्रष्ट हैं और आपने अगर भ्रष्टाचार किया है तो आप अपनी कुर्सी को छोड़ दें, वरना ये साबित करें जो आपने कोर्ट में किया है वो सही है। आइए आपको दिखाते हैं आशिक मर्चेंट ने काथावाला जज के बारे में क्या कहा। मैं आशिक अमीर अली मर्चेंट, मैं जस्टिस शाहरुख जिम्मी काथावाला बॉम्बे हाईकोर्ट को ओपन चैलेंज करता हूं कि जस्टिस काथावाला ये साबित करे कि कोर्ट में झूठ बोलना, झूठा एफिडेविट देना ये जुर्म नहीं है। अगर वो ये साबित नहीं करते हैं तो वो ये बॉम्बे हाईकोर्ट की कुर्सी को छोड़ दे, बॉम्बे हाईकोर्ट को शर्मसार ना करे। अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही जितना ये समझते हैं। इन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि अगर मनीष बाबा ने झूठ बोला है और झूठा एफिडेविट दिया है तो ठीक है, मैं उसको नहीं मानता। और एक तरफ माननीय जस्टिस श्रीराम जी बॉम्बे हाईकोर्ट, इन्होंने 31 अगस्त को एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर कोर्ट में आके कोई झूठ बोलता है वो सही हो, केस पे असर डालता हो या ना डालता हो, कोर्ट को आके झूठ बोला है ऐसे आदमी को खुला छोड़ना सोसाइटी के लिए नुकसान है और ऐसे आदमी को सजा होनी चाहिए और जुर्माना भी लगना चाहिए। तो एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस श्रीराम जी और सुप्रीम कोर्ट का कानून है और एक तरफ जस्टिस काथावाला का अपना कानून है। तो मेरी ये विनती है जस्टिस काथावाला जी से, शाहरुख जिम्मी काथावाला जी से, कि आप ये साबित करें हिंदुस्तान को कि कोर्ट में आके झूठ बोलना कोई जुर्म नहीं है। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते और आप गलत हो, सुप्रीम कोर्ट सही बोलता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप मेहरबानी करके इस कुर्सी को और शर्मसार ना करते हुए इसको जल्द से जल्द छोड़ दे। आपके खिलाफ कंप्लेंट्स हमने की है और हम इसको लड़ेंगे आखिर तक, जब तक कि आपको सजा ना मिल जाए। तो मेरी जनता से भी अपील है कि आप भी सामने आइए और आप देखिए कि ये कोर्ट में क्या हो रहा है और जो भ्रष्टाचार जज कर रहे हैं इनको सजा मिलनी ही चाहिए। ये कब तक प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बचे रहेंगे? धन्यवाद। तो आपने देखा किस कदर खफा है आशिक मर्चेंट। आशिक मर्चेंट खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि जो जज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकता है वो जज भ्रष्ट है या नहीं। क्लियर क्लियर दिखता है, साफ साफ पता चलता है कि मामला क्या है। या तो वो अपना इस्तीफा दें या ये साबित करें कि उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं इस बारे में आगे क्या होता है। देखते रहिए राइट मिरर। धन्यवाद।